नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीर बातचीत की जरूरत है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा में दलितों और बहुजन समाज के लोगों की हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी, उनके प्रतिनिधित्व और उनकी जो पहचान है उसको लेकर के सिनेमा किस तरह से उनको पेश करता है उसके बारे में। उसमें क्या चीजें हमको, क्या वो समुदाय सही सही दिखाई देते हैं, क्या जो जमीन पर उनकी स्थिति है, क्या हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा को भी ले लें अगर पूरा, तो क्या उनके उनके संघर्षों को, उनके स्मिता के से जुड़े मुद्दों को किस तरह से दिखाता है, क्या वो उनके साथ न्याय कर पा रहा है, क्या दलित समाज से आने वाले नायक नायिकाएं हमारी फिल्मों में दिखते हैं, किस तरह से दिखते हैं, ये भी विचार करने की बात है। आज जब हम चुनाव के दरमियान बात कर रहे हैं, चुनाव के माहौल के बीच में बात कर रहे हैं और चुनाव में जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारी राजनीति का एक बहुत बड़ा आयाम जो है जाति से जुड़ा हुआ है, वोटों से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा, पूरा सिनेमा जो है वो किस तरह से वंचित समुदाय को, दलित समुदाय को, बहुजन समुदाय को देखता है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब हैं, हिंदी सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार दशकों से लिख रहे हैं, बहुत गंभीर विश्लेषक हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। शिवा अफसम फहमी साहिबा हैं जो कि सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर लगातार टिप्पणियां करती हैं, बहुत मशहूर पत्रकार हैं और टिप्पणीकार हैं। मैथिली राव जी हैं, हिंदी सिनेमा के बहुत गंभीर विश्लेषकों में से एक हैं, भारतीय सिनेमा के गंभीर विश्लेषकों में से एक हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं लेकिन लगातार हमारे कार्यक्रम में टिप्पणीकार के तौर पर मौजूद रहती हैं। अजय ब्रह्मात्मक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ फिल्म समीक्षक, वर्षों से फिल्म समीक्षा के काम से जुड़े हुए हैं और कई किताबें लिख चुके हैं हिंदी सिनेमा के बारे में, लगातार गंभीर टिप्पणियां करते हैं और हमारे कार्यक्रमों के नियमित भागीदार हैं। हमारे साथ संजीव चंदन जी हैं, पत्रकार हैं, टिप्पणीकार हैं, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों पर लगातार लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं, स्त्रीकाल पत्रिका से संबद्ध हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आज मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूं। जो हम आज बात कर रहे हैं, संयोग ही है कि 14 तारीख के इस कार्यक्रम में, 14 अप्रैल के इस कार्यक्रम में जब हम बात कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और उनको याद करते हुए हिंदी सिनेमा में दलित, वंचित, बहुजन समाज की जो हिस्सेदारी है या उसका जो चित्रण है उसके बारे में जब हम देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा जब से शुरू हुआ है और आज जहां हम पहुंचे हैं, क्या जो समुदाय जिसकी कि आज राजनीति में बहुत एक प्रमुख भागीदारी है, सारी पार्टियां जो है उसके पीछे भाग रही हैं वोट के लिए, लेकिन जो सिनेमा का पर्दा है वहां पर क्या उसको उसका उचित प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है, क्या कहेंगे आप? अमिताभ जी, मेरी राय थोड़ी मिश्रित है अभी के संदर्भ में। अब एक उदाहरण के तौर पे ले लें तो एक बड़े अच्छे गायक हैं, सॉरी लिरिक्स राइटर हैं, सागर। और सागर अपने जाति पहचान को सीधे तो नहीं बताते लेकिन उनका लोकेशन लगभग स्पष्ट है और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी स्पष्ट है। लेकिन और जिस तरह के वो गीत लेकर के आ रहे हैं, एक तो ग्रामीण संवेदना के भी गीत हैं, दलित संवेदना के गीत हैं, कई सारे कर्पूरी ठाकुर पे उन्होंने गीत लिखा है, तो थोड़ी चीजें, स्थितियां बदल रही हैं बहुत। फिर भी हिंदी का जो परिदृश्य है हिंदी सिनेमा का, वो रिलक्टेंट दिखता है जाति को लेकर के, तो ये एक मिश्रित मेरा। अब जैसे शैलेंद्र, ये अजय दा बताएंगे और प्रोफेसर जबरीमल पारख साहब या मिथिला, ये मैथिली राव बताएंगी, मेरा एक ओपिनियन शैलेंद्र जी को लेकर रहा, उन्होंने जाति शायद नहीं बताई थी फिल्म इंडस्ट्री में, वो खुद भी चमार समुदाय से, दलित समुदाय से आते थे और बाद में जब अस्मिता आइडेंटिटीज की खोज हुई, मैं जिस पत्रिका से संबद्ध था फॉरवर्ड प्रेस ने, उसने भी छापा और उनका फिर आरा से उनका अपना एक लीनेज है, तो वो उन तमाम चीजें सामने आई।
फिर भी शैलेंद्र अपने प्रतिभा के साथ साथ एक स्वीकृत भी हुए और उनके जो गीत हैं काफी पॉपुलर भी हुए और हम सब जानते हैं तीसरी कसम वगैरह को लेकर के। लेकिन मुझे ये लगता है कि उस दौर में चूंकि पंजाबी समुदाय ज्यादा डोमिनेंट था सिनेमा को लेकर, यही सवाल मेरा है, अजय दौरे सब इसको शायद एड्रेस करेंगे, तो हो सकता है कि जाति आने के बाद भी कास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा स्थितियां ऐसी उनके सामने चुनौतीपूर्ण नहीं बनी होगी, हो सकता है सामने आ भी गई हो जाती, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश से और इधर जो ईस्टर्न वाला जोन है और खास करके हिंदी वाली पट्टी है, वहां से नायकों और अन्य लोगों के प्रभाव बनने शुरू होते हैं, तो ये स्थिति थोड़ी मुझे कमतर होती दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण वर्चस्व वहां ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लेवल पे और इवन टाइटल्स में सिनेमा में अक्सर आपको या तो श्रीवास्तव साहब मिलते थे या सिंह साहब मिलते थे, सिन्हा जी मिलते थे, और जो तमाम नायकों का अपना जो टाइटल होता था वो एक अलग फिर चीजें बदलने लगी थी। एक फिल्म इधर हमने देखी मां मनन, तो वो होता क्यों है उसको लेकर के फिर मैं अपनी बात, चूंकि आपने कहा कि तम उसमें मां मनन तमिल की फिल्म है, ऐसी कई फिल्में तमिल में और मराठी वगैरह में बन रही है जो पूरे अम्बेडकरी चेतना के साथ दलित स्टैंड पॉइंट पे खड़ी है और बहुत सामने जो है कथानक से लेकर के एक एक बिंब तक में सूक्ष्म दृश्यों तक में उसके असर देखते हैं। यदि कोई दूसरा डील करता है तो दिक्कत हो जाती है, जैसे आर्टिकल 15 में दिक्कत हो गई, आर्टिकल 15 के हम लोगों ने बहुत सारी आलोचनाएं की, या यदि ये प्रकाश झा बना के आरक्षण आते हैं तो भयानक वो ऐसा कर देते हैं आरक्षण के साथ कि वो आरक्षण ही बिगड़ जाता है, तो ये होता है। लेकिन ये जो फिल्म बनाई है मां मनन, वो स्टालिन के बेटे ने बनाई है और तमिलनाडु के संस्कृति मंत्रालय ने उसको स्पॉन्सर किया है। वहां एक क्वेश्चन है, चूंकि वहां द्रविड़ आंदोलन है, वहां पेरियार का ये रहा है और अपना जो डीएमके है वो डीएमके की अपनी कंस्टिट्यूएंसी भी वो रही है, लेकिन वहां एक क्वेश्चन है कि दलित प्रतिनिधित्व का क्या, दलित नेताओं के अपने ऑर्गेनिक प्रतिनिधित्व का क्या, ये इस क्वेश्चन पे वो फिल्म बनी है। अंत में जाकर के थोड़ा सा, लेकिन पेरियार के इसमें करुणानिधि के उसमें और डीएमके के फ्रेम में जाकर फिल्म खत्म होती है, लेकिन बहुत कायदे से डील होता है। उसमें डायलॉग है, जो नेता है वो कहता है, जो ओबीसी समुदाय से निश्चित तौर पर, जब मैं द्रविड़ मूवमेंट और तमिलनाडु और डीएमके की बात कर रहा हूं, तो वहां जो दलित कैरेक्टर है मां मनन, तो उनको उनके बेटे को बैठने की जगह कुर्सी मिलती है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को कुर्सी दे रहा हूं, ये मेरी राजनीति है और मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा, ये मेरे अस्तित्व का सवाल है। तो ये है फिल्म, बड़ा बाद में बड़ा कायदे से ये होता है, तो यही हुआ है। इवन राजनीति भी करने से, अब थोड़ा थोड़ा मैं मिक्स एक उदाहरण सागर से शुरू किया था, थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा सा दिखता है कि लचीला हो रहा है, लेकिन फिर भी रिलक्टेंट है राजनीति भी करने से। भाजपा एजेंडा के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कराना कथानक में व्यक्ति के तौर पे, चाहे वो एक्टर हो या सिंगर हो या लिरिक्स राइटर हो, इसके स्तर पे ये तो खैर दूर की कौड़ी है। अमिताभ, धन्यवाद। संजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं अजय जी आपके पास आता हूं, क्योंकि जो बात संजीव जी ने छोड़ी है जहां कि दूर की कौड़ी है, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे शैलेंद्र का उदाहरण उन्होंने दिया और आज के कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने मामरन फिल्म का जिक्र किया, जो कि उदयनिधि जो कि स्टालिन के बेटे हैं और उन्होंने उस फिल्म में काम भी किया है, वो फिल्म काफी चर्चित भी रही, उसकी आलोचना भी हुई तमाम कारणों से, हिंदी पट्टी में उसको लेकर के एक अलग तरह की संवेदना है, जैसे कि राजनीति की मतलब स्थिति है हमारे यहाँ उत्तर भारत में उस तरह से। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हिंदी सिनेमा, यानी अछूत कन्या से लेकर के और अभी अभी कल ही वो फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, अमर सिंह चमकीला, और वो चमकीला जो है, वो चमकीला जो है जिस उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय की बात अभी संजीव जी ने की है, तो तमाम सारा जो एक एक किरदारों का एक हमारे सामने एक कैलिडोस्कोपिक व्यू है, एक बहुत सारी तस्वीरें बिखरी पड़ी, उसमें
जिस तरह से दलितों को पेश किया गया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब सुजाता जो है, जिसका बहुत जिक्र होता है, सुजाता वही एक सवर्ण चश्मे से देखी हुई दलित पीड़ा की बात करती है, तो क्या कहेंगे आप अजय जी? जी, आप सभी को नमस्कार। संजीव ने बहुत अच्छी शुरुआत की और सही शब्दों के साथ और सही जगह फोकस करते हुए अपनी बात रखी। ज्यादातर लोग इधर उधर घुमा फिरा के बातें करते हैं, उससे बेहतर है सीधे साफ बात करना। मेरी अपनी राय है कि हिंदी फिल्मों के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो संजीव जी इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि जो दलित समुदाय से आए हुए प्रतिभाशाली लोग फिल्मों में एक्टिव हुए उनको कितनी जगह मिली और क्या कुछ कर पाए हुए लोग। दूसरा यह है कि नैरेटिव में दलित किरदारों को रखा गया कि नहीं रखा गया, और अगर रखा गया तो उनके प्रति डायरेक्टर का अप्रोच क्या रहा। अगर इन दोनों को लेके चले तो हम बात कर सकते हैं। प्रतिभाएं बहुत कम आई हैं दलित समुदाय से, तो बिल्कुल ही जैसा कि पूरे समाज में है लगभग उतना ही प्रतिशत हिंदी फिल्मों में भी उनकी जगह बनी है जितना भारतीय समाज में बना पाए हैं वो लोग, या उनके जो मौके मिले उसको वो अचीव कर पाए। हिंदी फिल्मों में उनके आगमन या उनकी उपस्थिति, उनका काम, ये सब कुछ बहुत साफ नहीं दिखता है। कम से कम जाति के साथ जोड़ के नहीं देखा गया या उस तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया है। लेकिन ढेर सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं, और लेकिन वो भी संकट है कि अब यादव नाम छोड़ के राव कर लेना, और ये सारे अपनी समस्याएं हैं हिंदी फिल्मों की और समाज में बने रहने की। मैं उस पर ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं पर्दे पर जो दिखा है उसकी बात करूं तो शुरू के दिनों, जब आपने अछूत कन्या का नाम दिया, उसके पहले चंडीदास है, अछूत कन्या है, सुजाता आपने जिक्र किया ही, और बाद की फिल्में भी है, उन सभी फिल्मों में एक कुलीन सवर्ण डायरेक्टर इन किरदारों को जब लेके आता है तो कहीं ना कहीं संरक्षण का भाव है, कहीं ना कहीं दया है, सहानुभूति है, करुणा है, ये सब कुछ है उन किरदारों के प्रति। लेकिन दलितों की जो आंतरिकता हो सकती है, दलितों का जो एक उनकी अस्मिता हो सकती है, उसको लेके ये लोग या तो समझ नहीं पाए या उनके पास ऐसी क्षमता नहीं थी, इतने सजग नहीं थे कि उन किरदारों की आंतरिकता में प्रवेश कर सके। मुझे याद आता है एक फिल्म का, जिस फिल्म की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है कहीं भी, वो ख्वाजा अहमद अब्बास की एक फिल्म है, चार दिल चार राहें। इस फिल्म में मीना कुमारी ने एक दलित महिला की भूमिका निभाई है, और उन्होंने इस रोल को चुना था जबकि उनके पास ऑफर था ख्वाजा अहमद अब्बास की तरफ से कि ये तीन कन्याएं हैं, इसमें तीन लड़कियां हैं, आप तीनों में से जो भी रोल करना चाहें कर लें। मीना कुमारी ने उस रोल को स्वीकार किया था, और उस रोल के लिए उनका 2 घंटे मेकअप किया जाता था, उनका रंग सांवला किया जाता था उस फिल्म के लिए। और उस फिल्म की कहानी यही है कि चूंकि वो दलित समुदाय से आती है और उच्च समुदाय के एक लड़के से उसका प्रेम होता है जो कि नहीं हो पा रहा है संभव, अहीर और चमार के बीच के संबंध की बात है। तो फिल्म में एक याद दृश्य ऐसे आते हैं जहाँ पे एक चौराहा है, चौराहा से एक सड़क बन रही है, जो फिल्म का किरदार बताता है कि ये समाजवाद का रास्ता बन रहा है, और चावली पूछती है उससे कि क्या इस रास्ते में, इस मार्ग में जब आएगा समाजवाद तो क्या अहीर का लड़का चमार की बेटी से शादी कर सकेगा? तो वो कहते हैं हाँ कर सकेगा। तब वो कहते हैं ठीक है ठीक है, फिर मैं ये सड़क बनाऊंगी समाजवाद की, और इस तरीके से बातें आगे बढ़ती हैं। इसी प्रकार और भी कई फिल्में आई हैं। हमें पैरेलल सिनेमा में जरूर दलितों का किरदार दिखता है और बहुत मजबूती के साथ दिखता है, लेकिन वहां भी जैसा संजीव ने कहा कि जो गलती आर्टिकल 15 में हुई थी वही कमोबेश वहां भी रही। वहां भी करुणा है, वे विक्टिम है, वे अपनी आवश्यकता या अपनी मांगों को लेकर आश्वस्त नहीं है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर उन पर दया भाव दिखाता है और उसी तरीके से उनका चित्रण करता है, इसलिए वहां भी कमी सी दिखती है। इधर के सालों में जब मैं देखता हूँ, जैसे झूंड देख लें आप, सराट जो मराठी में बनी वो देख लें, या फैंड्री देख लें, या अपने मसान देख लें, खुद
नीरज घेवन ने कुछ जो शॉर्ट शॉर्ट फिल्में बनाई हैं उनमें देख लें, तो हमें एक अपने अस्तित्व के साथ, अपने पूरे वजूद के साथ दलित किरदार दिखते हैं। वे विक्टिम नहीं है, वे अपनी चीजों को लेकर बहुत आश्वस्त है और इसको हासिल करना चाहते हैं। यही बात आपको साउथ के डायरेक्टर्स में भी दिखेगी। अभी जिस फिल्म की चर्चा की आपने, उसके अलावा पारंजीत साहब हैं, वेत्री मारन है, तमाम लोग हैं। एक समय में जय भीम का नाम लेते ही हम बार बार, कर्णन करके एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जिसमें धनुष ने शीर्षक भूमिका निभाई थी। तो दक्षिण में ये ज्यादा है, चूंकि वहां जागरूकता दलित चेतना को लेके ज्यादा है, और उस समाज से फिल्मकार भी आए, एक दर्शन के तौर पर भी वहां उसका अस्तित्व रहा है। हिंदी फिल्मों और हिंदी समाज में ये दिक्कत रही है कि यहाँ पे दलित चेतना के फिल्मकार नहीं रहे हैं, दलित समुदाय के भी फिल्मकार नहीं रहे हैं। उसकी वजह से दलित किरदारों को लेकर के बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, और ये सिर्फ दलितों के साथ ही नहीं है, ये तमाम वंचित समुदाय कह लें या तमाम माइनॉरिटी समुदाय कह लें, उनके साथ यही बात होती है। हम लोग पहले कभी बात कर चुके हैं कि क्यों नहीं आम हिंदी रोमांटिक फिल्मों का हीरो कोई मुसलमान किरदार होता है, या कोई दलित किरदार होता है, या कुछ और होता है। नहीं होता है। हम जैसा कि सर उन्होंने कहा, संजीव जी ने, कि कोई श्रीवास्तव होगा, कोई चौधरी होगा, और कोई सिंह होगा। आप देख ले, सारे पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं उनमें प्रताप सिंह जरूर लगा रहेगा। अरे भाई, आजकल तो हर समुदाय के लोग तमाम नौकरियों में हैं, वे क्यों नहीं बन पाते हैं? कहीं ना कहीं ये सारे क्लिशे, और हिंदी सिनेमा तो भयंकर क्लिशे प्रधान जगह है, यहाँ कुछ क्लिशे तय कर दी गई है। और हिंदी समाज भारतीय समाज से लेकर के एक अलग सा समाज ही बना चुका है अपना, जिसके अपने चरित्र हैं, अपने किरदार हैं, और उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको दिखा दिया जाता है, हम समझ लेते हैं, चूंकि हम देखते आ रहे हैं वैसे ही, और वैसे क्लिशे पर ये हिंदी फिल्में चलती हैं। जी अमिताभ जी, धन्यवाद अजय जी। मैथिली जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत का जिक्र हो रहा था, और संजीव जी ने भी अपनी शुरुआती टिप्पणी में साउथ का जिक्र किया, अजय जी ने भी किया, पारंजीत का नाम आया, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वो दक्षिण भारत की अपनी एक खास, जो उनकी एक पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी है, या वहाँ का जो एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रहा है, जिस तरह के वहाँ आंदोलन चले हैं, क्या ये उसका असर है कि वहाँ की जो सिनेमा है उसमें आपको दलित नायक नायिकाएं दिखते हैं, और वैसे नहीं दिखते हैं जैसे कि हिंदी सिनेमा में दिखते हैं। जैसे अभी अजय जी ने बहुत दिलचस्प उदाहरण दिया, जब वो चार दिल चार राहें का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने मीना कुमारी का बताया कि साहब उनको 2 घंटे उनका मेकअप किया जाता था, उनको सांवला किया जाता था, यानी कि दलित महिला है तो उसको सांवला ही दिखाना है, वो जो है वो गोरी नहीं हो सकती है, ये हमारा ये दलित नायक नायिका जो है वो गोरे नहीं हो सकते। और हिंदी प्रदेश में तो, हिंदी पट्टी में तो मतलब कहावतें भी चलती हैं इस तरह की, इनको लेकर के, तो एक अजीब 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 सा हमारा जो एक प्रेजुडिस है। तो मैथिली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये आपको लगता है कि साउथ का अपना कुछ एक वहाँ का सोशियो कल्चरल सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से है, या वहाँ जाति को लेकर के एक अपेक्षाकृत ज्यादा खुलापन है, या वहाँ वो ये मानते हैं कि हाँ जैसा है वैसा दिखाना चाहिए? हालांकि वहां पर भी मैं मुझे याद आ रहा, चूंकि पार रंजीत का जिक्र कर दिया था अजय जी ने, तो पार रंजीत की फिल्म काला मुझे अचानक याद आ गई, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, काला जिसमें रजनीकांत हीरो हैं, और वो भी दलित समुदाय के एक नायक की कहानी दिखाता है। अगर हम ये देखें कि मणिरत्नम ने नायकन फिल्म बनाई थी, जिसमें कमल हासन थे, वो नायकर समुदाय के हीरो थे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रंजीत, ये जो रजनीकांत हैं, वो एक अलग समुदाय से आते हैं, और दोनों की वेशभूषा तक में बहुत फर्क है। कमल कमल हासन को हम देखते हैं, वो पूरी फिल्म में जब वो बन जाते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक जो जो उनका एक किरदार है, सफेद कपड़े पहनना, और यहाँ यहाँ हम देखते हैं कि वो काली पोशाक में आते हैं। क्या ये चीजें जो है ये डिलिबरेट है, या आपको लगता है कि नहीं सचमुच ऐसा होता है? मैथिली जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को मैम। अभी जी अन्य, हाँ, आप सुन पा रहे हैं हम लोग आपको? जी हाँ, एक साउथ का फिल्म्स में मुझे ज्यादा तरफ तेलुगु और कन्नड़ा सिनेमा के बारे में ज्यादा जानकार है, कि तमिल सिनेमा में एक्चुअली सबसे बड़ी मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट तमिलनाडु में शुरू हुई थी, और कर्नाटक में भी जब राजा अंका वाडियार का टाइम में भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन
फदर टिल्ला वो मूवमेंट भी चला था तो मगर आंध्रा में इतना नहीं है। मगर एक दिलचस्प ये है कि जैसी अछूत कन्या बनी थी एक वेरी साउथ इंडियन फिल्म 1938 उसमें बनी थी माला पिल्ला। माला मतलब माला इज कास्ट दलित कास्ट तो लड़की माला वो तो एक राम ब्रह्मम बोल के डायरेक्टर थे और कहानी थी चलम रेवोल्यूशनरी राइटर अबाउट फेमिनिज्म आल्सो। तो वो स्टोरी तो मैंने बहुत पुराने देखी थी मगर स्टोरी ऐसी है कि ब्राह्मण लड़का जैसा अछूत कन्या में जैसा एक हरिजन लड़की से प्यार करता है और उनकी ट्रस्टीज और टेंपल साथ में साथ सोशियोलॉजिकल मूवमेंट ने बताया था कि एक गांधीयन औरत वो टेंपल एंट्री फॉर दलितों के लिए वो भी एक वो गांव में उसका भी एक लड़ाई शुरू हो रही है मगर आंदोलन लड़ाई नहीं आंदोलन शुरू हुआ है। तो इसका ये माहौल में ये दोनों कलकत्ता ये फोटोग्राफर है द हीरो तो ये लड़की का उसका नाम कुछ सप्तलता कलकत्ता चले जाते हैं। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो एक्ट्रेस जैसी देविका रानी को आप उसकी बैकग्राउंड उसकी पर्सनालिटी देख के आपको उसको एक जैसा स्टीरियोटिपिकल दलित लड़की को दिखाती है उससे मैच नहीं होता है। सिमिलरली ये फिल्म में भी कांचन माला वॉज अ वेरी ग्लैमरस स्टार तो लोग सोचेंगे कि उस लड़की वो हीरोइन को आप कैसे एक दलित लड़की उस जमाने में हरिजन कहते थे ना वो टाइम पर तो उसको कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे। मगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन जब भी वो जाती है कलकत्ता उधर उसका हस्बैंड उसको पढ़ाता है एंड शी बिकम्स वेरी मॉडर्न। तो उसकी मैंने उसके बारे में रिसर्च कर रही थी उसके कैलेंडर में वो कांचन माला स्लीवलेस ब्लाउज लिपस्टिक से करके वो बहुत बहुत मशहूर हो गई है वो कैलेंडर में उसका पिक्चर। तो मालप तो ये तो नहीं उसमें सुधार आती है क्योंकि जो ट्रस्टी है टेंपल का ट्रस्टी एक ब्राह्मण उनकी वाइफ को जब भी ये आग लगती है दलितों ने आके उसको बचाते हैं। तो ऐसे कि एक ट्रेंड है कि जो पेट्रियार्क ऑफ द विलेज वो रहता है जब तक उसके अंदर परिवर्तन नहीं आती है कोई सोशल रिफॉर्म नहीं हो सकती। क्योंकि मैं और 80s में विश्वनाथ जो शंकराभरणम बनाया है उसके फिल्म सब जैसे रूरल बैकग्राउंड और वेरी उसकी माहौल है वेरी ब्राह्मणिकल है। तो एक फिल्म ने बनाया था सप्तपदी सप्तपदी में वो सोमयाजुलू जो इसमें हीरो था शंकराभरणम में ये टेंपल का पुजारी है और बहुत ऐसा वेदों का पंडित ऐसा माना जाता है। और आंध्रा में फर्स्ट कजन्स की शादी होती है तो उसका बेटे का बेटा वो भी वही मतलब रिलीजियस स्टडीज और वो भी प्रीस्ट बनेगा और उसकी बेटी की बेटी उसके फादर के साथ गांव में आती है। आते टाइम पर एक बोट में एक दलित लड़का फ्लूट बजाते हुए और ये लड़की का डांस का शौक है तो उस विश्वनाथ के फिल्म में म्यूजिक और डांस बहुत महत्व लगती है। तो आके उसने बिना पूछे ये फर्स्ट कजन्स का शादी कर देता है तो ये लड़की चुप रहती है। मगर जिस दिन उसका वेडिंग नाइट के दिन वो लड़के को ये लड़की जैसा देवी का जैसा दिखती है कि ये किसी और की अमानत है मैं इसे छू भी नहीं सकता हूँ ये मेरी बीवी नहीं है। तो मुझे इसमें श्याम बेनेगल का आपने कोंडूरा वो फिल्म देखी है तो उसमें भी उसको ना अपनी वाइफ उनको तो देवी वो भी एक ब्राह्मण पंडित है उनको बीवी देवी जैसी दिखने लगती है। तो मुझे लगता है कि इधर श्याम बेनेगल का इन्फ्लुएंस बहुत था ये फिल्म के ऊपर। मगर वो समझ के सब लोग बोलते हैं कि क्यों तुम बीवी को घर से बाहर आके क्यों सो रही हो तो उसने बोलता है कि वो उसमें मुझे देवी नजर आती है बीवी नहीं। तो वो समझाता है कि सप्तपदी तो वो जो सात
फेरे जो लेते हैं उसके अलावा एक आठवां फेरा है जो मन से होती है। जब तक वो मन से फेरा नहीं होता है ये शादी का कोई मतलब नहीं है। उसका तो इंटरप्रिटेशन ऑफ सप्तपदी, वो अपने ग्रैंडफादर को कन्विंस करता है। तो वो अपनी मर्जी से, क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मीन उसकी पर्सनालिटी देखे तो आप इसका सोमयाजुलु का इज अ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, टॉल एंड वेल बिल्ट एंड अ वेरी डीप वॉइस। उसमें परिवर्तन आती है कि जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो एक चीज जो आती है, ये दोनों फिल्म्स इतने साल के पहले 1938 और 81 में भी देखे तो जब भी एक द पेट्रियार्क ऑफ द विलेज और द कम्युनिटी, जब तक उसमें चेंज नहीं आए तो समाज में कुछ बदला नहीं जा सकता है। कि ये दो फिल्म्स है, और जय भीम का तो हम पहले भी जिक्र किए हुए हैं, वो लीगल थ्रिलर भी, कोर्टरूम ड्रामा भी होती है। जैसा आपने मराठी फिल्म्स का जिक्र किया उसमें कोर्ट देखिए, और मंजुले क्योंकि वो समुदाय से आए हैं तो इसीलिए उसमें इतनी कन्विक्शन, अपनी पीड़ा वो सब इतनी इतनी सहज और इतनी स्ट्राइकिंग और जैसे मूविंग फिल्म बनती है। तो और एक बाद में आऊंगी मैं कन्नड़ फिल्म चोमन दुड़ी का, क्योंकि अभी मैं सेकंड राउंड के बात करूंगी। मगर श्याम बेनेगल का समर में भी इट इज लाइक सेल्फ एग्जाम इज इसमें जाता है, ही इज अ रिजर्वेशन कोटा से आया हुआ ऑफिसर है और फिल्म में, और गांव में जाके वो लोग एक फिल्म बना रहे हैं। उसको लगता है कि मुझे इज्जत मेरी पद से मिल रही है, या क्योंकि या मेरे इसमें कि मैं दलित हूँ, तो सेल्फ क्वेश्चनिंग उसमें अपनी आइडेंटिटी के बारे में होती है। ये एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ श्याम बेनेगल। वो जो लोकेशन में फिल्म विद इन फिल्म शूटिंग रहती है, जो लड़की वो लोग किरदार को, कोई गांव की लड़की को आप फिल्म में काम करेंगे बोलते मुझे माधुरी जैसे दीक्षित बनाएंगे, कि यू नो ऐसा कि फिल्म हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का क्लीशेस को भी सैटराइज करते हुए एक इट्स अ वेरी अंडररेटेड फिल्म ऑफ श्याम बेनेगल, लाइक सूरज सातवां घोड़ा, ये आल्सो इज वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म्स। मैं वो कन्नड़ फिल्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। थैंक यू मैथिली जी, आपने बहुत विस्तार से दक्षिण भारत की जो एक फिल्म बनाने की प्रक्रिया, खासतौर से दलितों और वंचितों के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या उसके पीछे सोच है उसका एक उसकी झलक दी। शिवाजी आपके पास आता हूँ, क्योंकि मैथिली जी ने कुछ जो जिक्र किया उसमें स्त्री पात्रों का अलग से जिक्र आया और बहुत सारी बातें आई, तो जो महिलाओं के किरदार हैं खासतौर से, अभी उन्होंने नागराज मंजुले का जिक्र किया, उनकी फिल्म सैराट का जिक्र संजीव ने भी किया था, बहुत मशहूर फिल्म थी, लेकिन मैंने जब देखा कि वो सैराट जब हिंदी में धड़क बन करके आई तो उस पूरी फिल्म की जो एक जान थी वो पूरी जान ही निकल गई। करण जौहर ने उस धड़क को, मतलब सैराट को जब अपने हिसाब से धड़क बनाया तो वो जानवी कपूर और वो जो उसका हीरो है, उसका नाम भूल रहा हूँ इस समय, जो शाहिद कपूर का भाई है, उसका नाम भूल रहा हूँ इस समय, बिल्कुल भी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन हाँ ईशान खट्टर, सॉरी, तो वो उसका जो है बिल्कुल उन किरदारों में वो बात निकल के ही नहीं आती जो कि सैराट में कहीं ना कहीं आती है, जो आप जो चीज देखते हैं कि हाँ एक दलित समुदाय की एक प्रेम कहानी है, उसकी अपनी जो एक डायनेमिक्स है, उसके भीतर की अपनी जो अंतरकथा है, अंतर्द्वंद है, जो कहीं निकल के नहीं आता। शिवा जी आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, आपकी अपनी राय क्या है, ये जो हम दलितों वंचितों के सिनेमा में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद आता है कि बहुत सालों तक तो खुद अंबेडकर को जो है वो हिंदी फिल्मों में जगह नहीं मिली, मतलब इवन बैकड्रॉप जिसको हम बोलते हैं हिंदी फिल्मों में, जो अक्सर सीन में दिखाया जाता था कि हीरो के घर के घर में या कहीं पुलिस थाने में या कहीं किसी जगह पर जो तस्वीरें लगी होती थी उनमें गांधी जी दिखते थे, नेहरू जी दिखते थे, शास्त्री जी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब दिख जाते हैं, लेकिन अंबेडकर नहीं दिखते। इवन सुजाता जैसी फिल्म जो है उसमें जो सुनील दत्त का किरदार है उसमें उसके घर में सारे महान पुरुषों की तस्वीरें हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के गांधी वगैरह सब दिखते हैं, लेकिन कहीं अंबेडकर नहीं है, जबकि वो कहानी एक दलित लड़की की कहानी है और वो एक उसको एक लिबरल सवर्ण दिखाया है उस
किरदार को, सुनील दत्त को, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। और क्योंकि मैंने प्रोफेसर गोपाल गुरु से JNU में दलित स्टडीज ठीक से पढ़ा है, तो हम लोगों ने इस पर बाकायदा काफ़ी चर्चा की है क्लासरूम्स में भी। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक होती है दलित कॉन्शियसनेस और एक होती है शूद्र होना। हर शूद्र दलित कॉन्शियसनेस से लेस नहीं है। दलित कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं वो एक रेडिकलाइज्ड कॉन्शियसनेस है जो ये मानती है कि उसको दलित रखा गया और ये अब उस स्थिति को बदलने के लिए जो पूरा सिस्टम है या पूरा जो विचार है ये उससे जुड़ी हुई धारा है। तो दलित कॉन्शियसनेस बहुत ही रीसेंट फिनोमिना है जो डॉक्टर अंबेडकर से शुरू होता है, वो उससे पहले उस तरह से नहीं दिखता। आप कह सकते हैं हमारे यहाँ कबीर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत रहे हैं जो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए, जिन्होंने इस सवाल को उठाया है और उन्होंने बराबरी का सवाल उठाया है, उन्होंने सिर्फ दलित का सवाल नहीं उठाया। लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि कोई शूद्र या अति शूद्र फिल्मों में कैसे कैसे आता रहा वो एक बात है, लेकिन दलित चेतना अब जब आई है और उसके आधार पर जो कुछ हो रहा है वो अलग बात है। तो अछूत कन्या हुई, सुजाता हुई, और मैं इस पर भी बात करूंगी कि लगान फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसका नाम रखा गया कचरा, वो है शूद्र है, और वो उसकी जो स्पिनिंग है, जो बॉलिंग करता है, वो इसलिए टैलेंटेड नहीं है कि उसका टैलेंट नहीं है, वो उसके अंदर उसकी बॉडी में कोई नुक्स है और उस नुक्स की वजह से कचरा की बॉलिंग जो है वो स्पिन अच्छी कर रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ से इसको अगर पकड़िए कि दलित को ये एक उस जगह से आने वाले एक किरदार को, उस टैलेंट को भी बताया जा सकता था कि ये उसके अंदर एक महान टैलेंट है, वो सचिन तेंदुलकर जैसा टैलेंट याफ्ता हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। वहाँ पर वो उसका नाम भी कचरा रखा गया, जो कि उस दौर में ये शब्द उस जिस परिवेश की वो फिल्म है उसमें ये शब्द था ही नहीं। कचरा कूड़ा होता था या और कुछ होता था, लेकिन कचरा नहीं होता था। तो बहरहाल यहाँ से हम लोगों को फ़र्क करना चाहिए जब हम इस पर बात करें कि शूद्र होना बिल्कुल अलग बात हो गई, और वो अक्सर गाहे बगाहे आते रहे, दिखते रहे और पैट्रोनाइजिंग होती रही कि नहीं शूद्र है तो क्या हुआ, उसको भी जीने का हक है, उसको भी पढ़ने का हक है, उसको भी जीवन साथी चुनने का हक है, या अगर कोई ब्राह्मण एक अछूत कन्या को या एक सुजाता को चुनता है तो समाज में वो बहुत बड़ी क्रांति करता है और वो महान बनता है, महिला जो दलित महिला है वो महान नहीं बनती है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। आज की फिल्मों में तो दलित कॉन्शियसनेस आई है, और ये साउथ में पहले आई क्योंकि वहाँ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट हुए, वहाँ पेरियार का गलबा रहा और वहाँ पर दलित प्रॉपर्टी क्लास सबसे पहले बना। जहाँ पर दलित प्रॉपर्टी क्लास बना, जब उसके हाथ में भूमि आई और प्रॉपर्टी आई और वो अपना भाग्य विधाता बना, उसके पास सरप्लस इनकम हुई, सरप्लस वेल्थ हुई, और उसने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया हर वॉक ऑफ लाइफ में, और उसमें सिनेमा भी है, तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है। आज के दौर में जो हिंदी सिनेमा है, एक तो ये कि करण जौहर एक फिनोमेना है जो बदसूरत से बदसूरत चीज़ को खूबसूरत बना करके दिखाने की एक बड़ी उनके यहाँ वो रहती है कि कोई भी बुरा ना दिखे, कोई भी ऐसा ना दिखे जो जो उनका ऑडियंस है जो अपनी क्रूर खुरदुरी जिंदगी से निकल करके 3 घंटे 2.5 घंटे के लिए जा रहा है, उस सब अच्छा अच्छा देख रहता है। जी जी जी, वो अच्छा अच्छा देख करके आएगा, तो उस जीवन की क्रूरता उनके यहाँ नहीं दिखेगी, कहीं नहीं दिखेगी। एक चीज़ है, अब आजकल की जो फिल्में हैं जो दलित चेतना से लैस हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि खुद दलित समाज, मैं दलित इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुद दलित ओबीसी जो समाज है वो खुद रूढ़ियों में बंधने के लिए ज्यादा आतुर है, और खासकर उत्तर भारत में उसको जो परंपरा से दिया हुआ जो उसका स्थान है समाज में, हिंदू समाज में, वो उसके उसको चैलेंज करने के मूड में ही नहीं है, बल्कि वो स्टेटस क्वोइस्ट है, और उसने वो काम उसका जो एम्बिशन है वो है एक अच्छा कट्टर सच्चा हिंदू बनने का, वो नागरिक बनने का एम्बिशन ही नहीं है उसका। पूरे उत्तर भारत में आप देख लीजिए जो क्योंकि ये पॉलिटिकली गाइडेड है तो वो है, तो जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं जो सोशल मीडिया पे दिखते हैं, जो यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, और वो उनका काम तो बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन दलित नौजवान जो यूनिवर्सिटी से में जा रहा था उसको वापस यूनिवर्सिटी से निकाल के समाज में और वो भी परंपराओं में फेंक दिया गया है। कितने स्कूल बंद हुए हैं, 60,000 के आसपास स्कूल बंद हो गए हैं। दलित चेतना कहाँ से आती है? दलित चेतना सबसे ज्यादा आपको शिक्षा से मिलती है और वो भी हायर एजुकेशन से मिलती है। आप एमए तक तो पता ही नहीं चलता है ये दलित होता क्या, एमए के बाद पता चलता है, एमफिल पीएचडी में पता चलता है जाके कि ये दलित कॉन्शियसनेस है क्या, सोशल जो जस्टिस का सवाल है वो है क्या। लेकिन आप ये देखिए कि जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो गौमूत्र से वो जगह धुलवाई जाती है, और जो पार्टी धुलवाती है, जो नया चीफ मिनिस्टर आता है उसके साथ है हमारे दलित युवा बहुत बड़ी तादाद में। और आप हर जगराते में, हर शोभा यात्रा में, हर कांवड़ में, हर वो सारी चीजें जो चल रही है समाज में देख रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कोई मास मीडियम में ये रिस्क ले क्यों कि दलित कॉन्शियसनेस की वो फिल्में बनाए जिससे दूर है दलित, जिससे जिसको वो देखना भी नहीं चाहता या वो मानता है ये तो गिवेन है, इसको वो आपने बहुत बदल। महत्वपूर्ण बात कही है शिवा जी, आपकी बात बहुत दिलचस्प है। और पॉलिटिकल, चूंकि आपने उसमें पॉलिटिकल कमेंट्री काफी रखी है, और आजकल हम लोग चुनाव के संदर्भ में, आज चुनाव का माहौल है और तमाम तमाम सारी बातें हैं, और हालांकि सिनेमा के प्रेम में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात का ये एक बहुत घाटे का दिलचस्प सौदा संदर्भ है है। कि मैं ये कह जी रही हूँ बिल्कुल कि जी मेन स्ट्रीम में दलित कॉन्शियसनेस के साथ फिल्म बनाना तो ये होगा, देखो हिंदू एकता को बिगाड़ रहे हैं, तो हिंदू एकता को बिगाड़ने वाली फिल्में क्यों बननी चाहिए? ये रिस्क है, ये कोई नहीं लेना चाहेगा। और ये मुझे समझ में आता है, जहां तक डॉक्टर सागर की बात की, हमारे जेएनयू के ही हैं वो इस तरह के लोग अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास या उन लोगों के पास वो उस तरह का पैसा नहीं है जो झोंकना होता है इसमें, वो झोंक नहीं सकते। तो अभी तो देखिए, हमने अभी बात नहीं की, हमारे यहाँ आदिवासी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, कश्मीर नहीं है, मुसलमान नॉर्मल किरदार नहीं है, मुसलमान जब आता है तो उसको तलाक दे रहा होता है या कुछ इस तरह का कुछ होता है, आतंकवाद और तलाक, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द मुसलमान कैरेक्टर नजर आता है, तीसरा कुछ है ही नहीं, या फिर जी वो अति राष्ट्रवादी कोई कैरेक्टर होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हमारे पास बहुत कुछ है जो हमें कवर करना है, मैप करना है। मुख्य धारा का मीडियम होता है मास सिनेमा, मास सिनेमा में वही होगा जिसकी जो बिकेगा, और जो बिकेगा वो आप जानते हैं कांवड़ यात्रा बिक रही है तो वही दिखाई देगा। मेरा ये शॉर्ट है, मैं अगर जी आप इजाजत देंगे, मैं अभी थोड़ा सा मुझे निकलना है तो आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जाऊंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। और एक चीज अमिताभ जी, देखिए ये सिनेमा तो राजा रजवाड़ों की कहानी है, शहनशाहों और सल्तनतों की कहानी कहने आया था ना, अभी हम यहाँ तक पहुंचे कि महिलाओं की कहानी आ गई, चलिए ब्राह्मण महिला की, सवर्ण महिला की कहानी आ गई है, तो अभी महिलाओं की भी सारी कहानियां आनी बाकी हैं। सर्वहारा की कहानियां थोड़ी आनी शुरू हुई थी 60 और 70 के और अगली 80 के दशक में, लेकिन उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने जिस तरह घेर लिया, हिंदू मुसलमान, अभी जिहाद, ये वो आतंकवाद, ये सब इतना ज्यादा आ गया है कि बड़ा स्कोप अब लिमिटेड है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस विषय को मेन स्ट्रीम करता है, और वही है जो जिहाद है और आतंकवाद है और पाकिस्तान है और ये सब है, तो उसमें कहाँ बेचारा अभी दलित कॉन्शियसनेस नहीं फिट हो रही वहां कहीं, वो तो जी अंदर अपने 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 समाज पर सवाल उठाएगी ना। संजीव तो कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चाह रहे कि शिवाजी रुकती तो हमारे डिफरेंसेज अपने विचार से सुनकर जाती, लेकिन बाद में सुन लीजिएगा। हाँ बिल्कुल सुनूंगी, बिल्कुल सुनूंगी। हाँ, मुझे कहीं जी, निकलना, संजीव, मैं आपकी टिप्पणी जरूर लूंगा, शिवा ने जो कुछ कहा है उस पर आपकी टिप्पणी जरूर लूंगा, मगर मैं पहले परख साहब से बात चाहता हूँ, उनकी एक राउंड बात हो जाए, क्योंकि तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। और परख साहब, शिवा जी ने जो बात कही वो काफी, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें आ गई, लेकिन क्या ये सारा का सारा मामला जो है ये दलितों की समस्या, दलितों के आइडेंटिटी को एक सवर्ण चश्मे से देखने का मामला है? क्योंकि जैसे भी बात करें थी कि भाई अभी तो ये सिनेमा तो राजे रजवाड़ों की कहानी कहने आता, हालांकि हम लोग चंडीदास और अछूत कन्या का जिक्र कर चुके हैं जो कि 1930 के दशक में बनी हुई फिल्में हैं, 30-40 में ये सारा सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुजाता में भी हमने जैसा भी कहा कि वो एक कुल मिलाकर के एक सवर्ण अभिजात दृष्टिकोण से, एक उदारवादी दृष्टिकोण से दलित की पीड़ा को देखने की कोशिश है, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये कि आज जहां हम बात कर रहे हैं, आज जब जिस समाज में हम बात रह करके बात कर रहे हैं, आज जिस राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, वहां पर आके क्या ये पेट्रोनाइजेशन नहीं है?
क्या ये ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक, जैसे कि संजीव ने शुरू में कहा था कि साहब सिर्फ श्रीवास्तव जी सिन्हा जी या इस टाइप के लोग जो है वो दिखते हैं, तो क्या ये सारा का सारा मामला यही है कि अगर दलितों के बीच से लोग आएंगे तभी चीजें सुधरेंगी, या ये एक ज्यादा व्यापक लेवल पर कहीं ना कहीं जो सिनेमा से जुड़ी पूरी बिरादरी है उसके संस्कृताइजेशन का मामला है, जो कि बहुत अपने आप में एक बड़ा डिफिकल्ट काम है और शायद असंभव सा काम है, क्योंकि तो सिनेमा जो है वहाँ वो कोई एक पाठशाला नहीं है, वो एक बहुत ही बिखरी बिखरी सी कम्युनिटी है और वहाँ लोग बहुत सारे लोग सिर्फ मुनाफे के लिए आते हैं और फिल्में बना के निकल जाते हैं। जैसे कि मैंने करण जौहर का जिक्र किया कि मंजुले ने जो फिल्म बनाई थी सैर आठ, वो जब हिंदी में धड़क बन के आई तो पूरा उसका कलेवर ही चेंज हो गया था। आप क्या कहेंगे परख साहब? नमस्कार सभी को। पहले तो एक शैलेंद्र के बारे में जो संजीव चंद्र ने टिप्पणी की थी उसी में सिर्फ एक सूचना जोड़ना चाहता हूँ। जिस समय शैलेंद्र फिल्मों में लिख रहे थे उसी समय उनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था और वो काव्य संग्रह उन्होंने अन्ना भाऊ साठे जो वहाँ के एक बहुत प्रगतिशील और दलित राइटर थे और जिनके कई उपन्यासों पर कहानियों पर फिल्में भी बनती थी उस जमाने में, बाद में भी बनी, उनको समर्पित की थी। मेरा अपना और वो समकालीन थे, दोनों दोनों ही प्रोग्रेसिव मूवमेंट में थे, दोनों ही दलित थे और उन्होंने अपनी पहली किताब जो है अन्ना भाऊ को समर्पित की थी। इसलिए मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि न केवल दलित शैलेंद्र खुद अपने दलित होने के बारे में कॉन्शस थे, सजग थे, बल्कि बंबई का जो प्रोग्रेसिव समाज था जिससे दोनों ही जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं राज कपूर जैसे, विमल रॉय जैसे, बहुत सारे ख्वाजा अहमद जैसे बहुत सारे फिल्मकार थे वो भी उस प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़े हुए थे, वो मेरी ख्याल इन पहचानों के बारे में जानते थे, लेकिन वो उस समय जिस तरह का माहौल था उस समय ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, इसलिए वो कभी सामने नहीं आया। इसलिए जो फिल्म के का दर्शक समुदाय है या फिल्मों के बारे में लिखते थे उन्होंने कभी ये नहीं आया। ये करीबन आज से 35-40 साल पहले एक तरह से चर्चा के केंद्र में आया कि शैलेंद्र जो है एक दलित परिवार से, वो केवल मैं जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार मैंने आपको बताया। बहरहाल जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, मैं फिर यहाँ हिंदी फिल्मों की ही बात करूँगा। हिंदी फिल्मों का जो सवाल है, नंबर एक तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों का जो इतिहास रहा है 1931 से लेकर करीबन 4-5 दशकों तक, उसमें हिंदी वाले तो लगभग है ही नहीं। उसमें कौन है? पंजाबी है, उसमें बंगाली है, उसमें साउथ इंडियन है, उसमें मराठी, ठीक है। तो इसलिए इसके बावजूद चूंकि भाषा हिंदी है इसलिए फिल्म बनाते हुए फिल्मकार चाहे जहाँ का भी हो वो फिल्म इस बात से नहीं बना रहा है जो उसकी अपनी भाषा है। मतलब श्याम बेनेगल फिल्म बनाते हुए उनका एक पूरा मतलब कहना चाहिए कि हिंदी समाज भी सामने रहता है लेकिन दूसरे समाज भी सामने रहते हैं। विमल रॉय के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन स्पष्ट है कि वो हिंदी की जो दुनिया है उसको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते। और अभी भी स्थिति यह है कि हिंदी का अपने समाज से निकले हुए फिल्मकार लगभग नहीं है, बहुत कम है। तो ये एक तो तथ्य हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज जो है कि फिल्म की दुनिया कोई अलग दुनिया नहीं है, वहाँ भी वो अन्य हमारे कहना चाहिए कि अलग अलग समुदाय हैं, जैसे शिक्षकों का समुदाय है या नौकरी पेशा लोगों का समुदाय है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर दलित का रिप्रेजेंटेशन कितना था, लगभग नहीं के बराबर, आज भी बहुत कम है, मतलब जितना आरक्षण है उतना भी नहीं है, तो फिल्मों में कहाँ से हो जाएगा। तो फिल्म कौन बनाते थे? फिल्म वही अपर कास्ट के लोग बनाते थे जिसमें ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्या में। तो इसलिए यह अपेक्षा करना कि मतलब शैलेंद्र या एक दो जने और हो सकता है खोज करने पर मिल जाए,
लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन, वो वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी दखल नहीं कर सकते थे जो कि जरूरी है। तो दखल कौन करता? दखल सिर्फ वे लोग ही कर सकते थे जो अपर कास्ट से आए थे और वो अपने ढंग से कर रहे थे। ठीक है, हम 1932 की चंडीदास की बात कर चुके हैं, जिसमें कि चंडीदास जो एक ब्राह्मण पुजारी है वो एक धोबन स्त्री से प्रेम करता है। कहानी जो है वो 1932 की, जिस समय साहित्य में भी प्रोग्रेसिव कहना चाहिए कि अभिव्यक्तियाँ होने लगी थी और राजनीति में बहुत प्रभावी रूप में अंबेडकर की उपस्थिति नजर आने लगी थी। 32 में चंडीदास बनती है। चंडीदास ही नहीं, उस समय के भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई फिल्में जैसे संत तुकाराम, उसको देखिए आप, इसी तरह से और कई फिल्में हैं जिन फिल्मों में वो प्रोग्रेसिव कंटेंट हमें नजर आता है। लेकिन वो किन की तरफ से है? वो अपर कास्ट फिल्मकारों की तरफ से है। कैसे है? इसलिए कि वो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं और जाहिर है कि उसकी लिमिटेशन होगी क्योंकि उनके पास दलित कॉन्शस नहीं है। दलित के प्रति सैंपेती है लेकिन वो खुद दलित नहीं है, उनको नहीं मालूम कि दलित की दुनिया कैसी है, जितना वो जानते हैं उसका अनुसार कर। तो ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन अछूत दुनिया में भी दिखाई देगी, 1940 में बनी हुई अछूत में भी दिखाई देगी। और उनको ये ज़्यादा स्वाभाविक लगता है कि हम जाति का जिक्र किए बिना उन समस्याओं को रखें जिससे दलित भी जो है कहीं ना कहीं उत्पीड़ित है। जैसे मैं 3-4 फिल्मों की बात करता हूँ, बूट पॉलिश, जाते रहो, 2 बीघा जमीन, इनके कैरेक्टर कौन? इनके कैरेक्टर हैं किसान, बहुत गरीब किसान या बहुत गरीब लोग। इतने गरीब लोग जिस समाज से आए हुए हैं, मतलब जैसे होरी महतो है वैसे ही शंभू महतो है, जाहिर है कि ये अपर कास्ट नहीं है वो। ठीक है, इसी तरह से बूट पॉलिश का वो बच्चा जिसका सपना है कि मैं भीख ना मांगूं, जो बूट पॉलिश करूं, और जो झुग्गी बस्तियों में रहता है, ठीक है, वो कहाँ से होगा? जाहिर है कि वो अपर कास्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जाते रहो का किसान जो पानी पीने के लिए एक बड़ी बिल्डिंग में घुस जाता है, हैं, और उसे पानी पीने को नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता, इसकी सबसे ज़्यादा पीड़ा किसे झेलनी पड़ती है? दलित को। लेकिन आप देखेंगे कि इन तीनों फिल्मों में जाति का उल्लेख नहीं। हिंदी सिनेमा उस जमाने में जाति का उल्लेख करता ही नहीं था, उसे लगता था कि जाति का उल्लेख करके मैं क्यों अपने लिए झंझट मोल लूं। लेकिन दूसरे दरवाजे से जाति घुस रही थी। कैसे घुस रही थी? तू ठाकुर होकर, ठाकुर कभी ऐसा नहीं कर सकता, ब्राह्मण का बच्चा हो के तू ऐसा कुकर्म करेगा, इस तरह की अभिव्यक्तियां बराबर होती थी। यानी कि अपर कास्ट की जो कहना चाहिए कि मानसिकता है वो फिल्मों में आती ही थी और काफी आती जी। उनके जाने जी। और अनजाने आती थी, लेकिन थी ये। और इस चीज को हम जब फिल्में देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता फिल्म में बहुत दूर तक जाती है। एक उदाहरण देकर मैं अपनी फिलहाल की बात खत्म करता हूँ। आवारा फिल्म राज कपूर की, कहानी लिखी थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने। कहानी क्या है कि जो जज साहब है, वो जज साहब का मानना है कि कोई आदमी बुरा इसलिए नहीं होता है कि परिस्थितियां बुरी होती है, बुरा इसलिए होता है कि वो जिस परिवार में जन्म लेता है वो परिवार ही कुसंस्कारी होता है। यानी कि अगर आपका छोटी जात में पैदा हुए हैं तो आप वैसे ही होंगे, आप अपराधी समाज में पैदा हुए हैं तो वैसे ही। ठीक है, फिल्म इस धारणा के विरोध में बनाई गई है। ठीक है, साबित करना चाहती है फिल्म, ख्वाजा अहमद साबित करना चाहते हैं, राज कपूर साबित करना चाहते हैं कि ये गलत है, परिस्थितियां मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती है। देखिए फिल्म का अंत क्या होता है, फिल्म का अंत ये होता है कि जो जज साहब का बेटा है वो तो सुधर जाता है, वो तो अपने पिता के पास चला जाता है, लेकिन जो जग्गा है अपराधी, उसकी दुनिया तो वैसी की वैसी रहती है।
उसमें तो कोई बदलाव नहीं आता। तो फिर तो आप फिल्म बनाते हुए जिस आइडिया को लेकर चलते हैं, जिस प्रोग्रेसिव आइडिया को लेकर चलते हैं, आपके जाने या अनजाने वो फिल्म उसके खिलाफ ही खड़ी हो जाती है। और ये फिल्मों में होता है इस तरह जी। ये कुल मिलाकर जो आप कह रहे हैं परख साहब, ये आपने जो बात कही है स्टीरियोटाइपिंग की तरफ आपका इशारा है। और मैं संजीव जी आपके पास आता हूँ इसी मोड़ पर, क्योंकि एक राउंड काफी सारी बातें हो चुकी हैं, तो आपसे मैं एक तो जानना चाहूंगा जो परख साहब ने जहां जहां बात को लेकर के आए कुल मिलाकर के, कि आप एक प्रोग्रेसिव आइडिया के साथ शुरू करते हैं लेकिन अंततः जो है आपका जो ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके ही आइडिया के खिलाफ जाकर खड़ा हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदी सिनेमा जो है वो दलितों के मामले में अच्छा दिखने की कोशिश करते हुए अंततः जो है कहीं ना कहीं वो जाकर के उसी स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हो जाता है, क्या कहेंगे आप? बल्कि और नुकसान कर जाता है जो पारक सर ने कहा, और यही फर्क है एजेंसी का, जो फर्क होता है कर्तापन का, जो फर्क होता है कौन है, किस लोकेशन से है, कहानी कहाँ से लिखी जा रही है। ऐसी स्थिति में रेणु तक पर सवाल उठ जाते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जैसा, जिसका एकदम से समाजशास्त्री का एक मतलब समाजशास्त्री है उपन्यास, लेकिन उनके यहाँ की जो मलारी है, जो प्रति परिकथा में भी और मैला आंचल में भी जो दलित स्त्रियां हैं उनके प्रति एक आउटसाइडर दृष्टिकोण दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो धानुक समुदाय से आते हैं थोड़ा सा। अब तो कास्ट हायरार्की ऐसे है ना, तो वो ऊपर थे थोड़े से धानुक कुर्मी नीतीश कुमार जी वाली जाति, तो ये फर्क पड़ जाता है। और इसीलिए जब हम लोग विश्लेषण करते हैं, चाहे सिनेमा का करें, चाहे किसी भी उपन्यास का करें, किसी भी कृति का करें, तो उस दौर के जो मूवमेंट्स हैं, उस दौर में जिस तरह के विमर्श चल रहे हैं, उसके आईने में भी देखना होगा। जैसे बहुत बढ़िया बताया सर ने कि शैलेंद्र का एक रिश्ता साठे साहब से था, तो ये देखना होगा। डॉक्टर सागर यदि वहां हैं तो डॉक्टर सागर के रिश्ते किससे हैं ये देखने होंगे, उससे उनका भी मूल्यांकन होगा और दूसरे लोगों का भी मूल्यांकन होता है कि जब विमर्श चल रहा है 72 में जब पैंथर मूवमेंट है और उसके ऑनवर्ड, उस वक्त श्रीवास्तव नाम से, सिंह नाम से और अन्य नामों से अमिताभ बच्चन का जो ग्राफ है, तो एक अलग विश्लेषण की मांग करता है। और यहीं पे हम जैसे लोगों का, शिवा असलम फहमी जैसे लोगों का क्रिटिसिज्म खड़ा होता है, क्योंकि हम आप अपना ओपिनियन बनाते कहाँ से है, जहाँ से वो शिवा ने जितनी बातें की वो परसेप्शन है जो सोशल मीडिया ने ही गढ़ा है। ऐसा नहीं है कि दलित जो है वो झंडा लेकर खड़े हो गए भगवा, या बहुजन भगवा झंडा लेकर खड़े हो गए। 90% अपर कास्ट योगी को वोट कर रहा है और उसकी आकांक्षा और उग्रतर हिंदुत्व की ओर है, ये आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुजन समाज नहीं गया है उसको, अभी भी ये एक सोशलिस्ट लीडर रहे हैं और लेखक भी हैं, उनसे आरएसएस के एक बड़े नेता ने कहा था, फ्लाइट में बताते हैं कि यादव समुदाय और चमार समुदाय जिस दिन हमसे जुड़ गया हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, और जिस दिन वो हमसे जुड़ गया उस दिन हम हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। ये आरएसएस के, ये 90s के आसपास की बात है और आज तक उनके लिए सपना बना हुआ है। तो देखना पड़ेगा हम आप क्या महाराष्ट्र के उन मूवमेंट, आज संविधान खतरे में है इसको लेके प्रधानमंत्री क्यों चिंतित हो गए, क्योंकि नीचे हवा बह रही है, लोगों को लग गया है कि आएंगे तो राइट्स छीनेंगे, आरक्षण छीनेंगे और ये करेंगे, ये कैसे हो गया। ये तो सिर्फ जो है, तो चूंकि हमारा परसेप्शन भी जो है वो बनाता है कथित, जिसको हम लोग गोडी मीडिया कहते हैं, चीजें ये जरूर है। मुझे हिंदी सिनेमा को लेकर लगता है कि चीजें, और वो भी वो जो शिवा ने कहा कि वो फिल्में काला कितना सुपर डुपर हिट रहा और क्या शानदार फिल्म है वो, उसके थोड़े से क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है जब रामायण का उल्टा पाठ हो रहा है अंत में, और वो धारावी और रमाबाई नगर वो दोनों में वो कुछ घटनाएं तो इतिहास की घटनाएं भी, वो काला एक कैरेक्टर है उसमें, सैराट को आपने ही कहा कि जैसे ही एजेंसी बदली लीला ये भंसाली आए वैसे ही सब गड़बड़ा। नहीं आप सही कह रहे हैं, मैंने इसीलिए मणिरत्नम की फिल्म का जिक्र किया था, नायकन का जिक्र मैंने इसीलिए किया कि देखिए दोनों जगह धारावी है, धारावी नायकन में भी है, कमल हासन की फिल्म अगर आप देखें वहां भी धारावी है और काला में भी धारावी है, लेकिन कितना फर्क है। जी जी बिल्कुल, जारी रखिए। कर्णन को लेकर के कितनी फिल्में जो तमिल वहां चूंकि सेंसिटिविटी इसलिए आ गई कि लोकेशन भी वहां लोगों का ये रहा, कुछ चीजें थोड़ी सा, जैसे एक फिल्म देखी हमने धक धक, तो अच्छा लगा उसमें जो नायिका उसका नाम है स्काई, लेकिन अंत में स्पष्ट करती है शशि कुमार यादव, तो ये बहुत कम है, वो भी महिला, महिलाओं के मामले में आप देखिए ना, इतनी प्रोग्रेसिव फिल्म बनाने वाली कल्पना लाजमी जब
उसको बनाती है, वो जो नसीब में देखे फिल्म का नाम भूल गया, रिहाई, देखिए जो जो कैसे आउटसाइडर दृष्टि है उसमें, सेक्सुअलिटी पे तो बड़ी रिहाई अरुणा राजे की फिल्म थी, रिहाई अरुणा राजे की फिल्म थी, अरुणा राजे और अरुणा राजे की, हाँ, हाँ। और उसमें देखिए सब सब कुछ जो है दिखता था, सेक्सुअलिटी तो डिस्कस्ड है, लेकिन देखिए आउटसाइडर दृष्टि कैसे है कि उनकी तमाम महिलाएं, और वैसे ही जो एक हम लोग यहाँ कहावत होता है कि दलित महिलाएं और जो कामगार जातियों की महिलाएं हैं वो मटखाने में मिलती हैं, मतलब मट्टी जहां खोदने जाती है, वो सारे दृश्य रचे गए, भयानक एंटी वुमन फिल्म है और भयानक कास्टिस्ट फिल्म है, तो ये बनती है, एजेंसी का फर्क पड़ता है अमिताभ जी, लेकिन स्वागत योग्य चीजें हैं जो मैंने वो बता बेकार फिल्म भी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहूं आप, जी 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 मैथिली जी, प्लीज मैं आपके पास ही आने वाला था, हाँ, आप क्योंकि पिछली बार कहा था आप कन्नड़ सिनेमा के बारे में बात करने वाली हैं, आप बताएं। आने से पहले एक एक फिल्म आई थी सीरियस मैन नवाजुद्दीन का, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने देखते आए हैं कि जब भी दलित कैरेक्टर पोट्रे होते हैं वो बेचारा होता है, उसके साथ सहानुभूति होती है, पिटी होती है, उसको हेल्प करने की है, मगर जब एक नवाजुद्दीन इज बहुत चालाक है, वो अपने बेटे को अपने हाँ। सटायर था पूरा कि साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट में ही इज ओनली अ प्यून, मगर इतनी दिमाग उस चलती है कि अब्सॉर्ब्स लाइक अ स्पॉन्ज सब, तो बेटे को ही वांट्स टू मेक हिम लाइक अ जीनियस, चाइल्ड जीनियस जैसा, उसमें पॉलिटिक्स भी जुड़ा होता है, मगर आखिर में जो इंस्टीट्यूट की चीफ रिसर्च का भी मजा उड़ाता है, उसमें क्या रिसर्च के लिए ग्रांट्स मिलते हैं, तो ये एक है ना, इसमें इट्स अ ब्रेव वे टू शो अ दलित कैरेक्टर एज लाइक अ स्कीमिंग कनिंग और अपना फायदा के लिए अपनी कॉन्टैक्ट्स को यूज कर रहा है, पॉलिटिकल एंड वो जो नेटवर्क रहता है उसमें बेटे के जरिए वो ऊपर उठना पड़ता है, मगर उसमें इट एंड्स इन ए फेलियर, तो पूरा सटायर इज बेस्ड ऑन ए नॉवल कि दलित कैरेक्टर को एक दूसरी नजरिया से हीरो बनाया है जैसा थोड़ा एंटी हीरो, क्योंकि उसमें फ्लॉस भी है, बट टू गेट अहेड ही विल यूज द सिस्टम, तो ये एक चीज है, वो फिल्म ज्यादा चली नहीं क्योंकि ये तो बहुत स्टीरियोटाइप से बहुत ज्यादा था, और बॉम्बे का ये क्या रियल एस्टेट और कास्ट पॉलिटिक्स सब साथ में जुड़ा हुआ था वो फिल्म में, तो मुझे वो लगा था कि वो एक्सेप्शन है, दलित को बेचारा नहीं बताता है कि दलित अपने दिमाग के जरिए और अपने नेटवर्क सोशल एबिलिटी के जरिए ऊपर उठना चाहता है अपने, और बेटे को उनसे ऊंचा बनाना चाहता है, और बेचारा बेटा उसमें फंस जाता है, उसको वो सब आंसर्स फीड करते हैं, पब्लिक परफॉर्मेंस होती है, चाइल्ड प्रोडिजी एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है कि ऐसे फिल्म्स मेनस्ट्रीम का नहीं है, मगर एक एक्टर जो नवाजुद्दीन की भी अपनी एक फॉलोइंग होती है, मुझे लगता है कि ये एक एक्सेप्शन है टू द मेन रोल, और मैं इसे और भी अब मृणाल सेन और सत्यजीत रे दोनों ने दलितों के सदगति बनाई, और मृणाल सेन ने कफन तेलुगु में बनाया था, वो कौरी कथा, यस हाँ जी वो कौरी कथा, तो अपनी कंफर्ट जोन से आगे निकल के दूसरी, क्योंकि एक बार सत्यजीत रे शतरंज के खिलाड़ी बनके इतनी उसकी साजिश हुई, अगर सत्यजीत रे हिंदी फिल्म में आ गए तो ये कहा ही है कि उसको दे ट्राई टू साबोटेज द फिल्म, जिसका एक मॉर्निंग शो था बॉम्बे में, उसका भी उसने साबोटेज किया है द इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, तो उसने आखिर में सदगति बनाया हिंदी में, मगर इट वॉज अ टेलीफिल्म, और उसमें ये लोगों को क्योंकि ये बोलते कि क्या ये स्टोरी अबाउट एक ब्राह्मण प्रीस्ट और एक ये मजदूर जो दलित मजदूर का, तो और ये भी इसमें कफन का भी जो कबूरी कथा मृणाल सेन ने अपने दायरे से बाहर आके किया है, वो जो एक्सेप्शंस है, मगर एक चीज एक फिल्म जो क्लासिक है
कनाडा में चोमन दुड़ी, वो बनाई थी बीबी कारंत ने, और वो कहानी इज रिटन बाय शिवराम कारंत, हु इज लाइक ए रिनेसांस फिगर इन कनाडा कल्चर में, राइटर और फोक फॉर्म्स का ये यू नो टू हाईलाइट यक्षगाना को फिर इसमें उसकी जो खोई हुई उसकी फेम थी और पॉपुलैरिटी उसने फिर से रेन्यू करने का अधिकार किया. उसमें एक दलित किसान, उसको अपनी जमीन, उसकी पूरी ख्वाहिश थी कि अपनी अपनी जमीन हो, और वो इसमें जब भी फ्यूनरल होती है उसमें उसका ये अपना दुड़ी मतलब ये तो बड़ा क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक जैसा ड्रम जैसा है, तो वो ऐसा बजाता है कि उसमें क्या है कि दलित की आवाज़ चली जाती है मगर अपनी ये इंस्ट्रूमेंट के साथ सबॉल्टर्न वॉइस ऑफ द दलित वो इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है. और मैं इससे और एक लास्ट मिनट एक जुड़ा, अभी जो कर्नाटक म्यूजिक और सब जगह चलती रहती है टी एन कृष्णन का, कृष्णा का जो उसका मिला है, उसने तो बहुत सारे कर्नाटक म्यूजिक परफॉर्मेंस का गतिविधियां सब और उसका फॉर्म में भी बदलाव किया है. उसने एक किताब लिखी है, वो जो तो ये जो बनाते हैं ना मृदंगम जो बनाते हैं वो लोग शूद्र है, मगर उनका उनके लिए कुछ जो मृदंगम आर्टिस्ट जो बजाता है उसकी तो बहुत चर्चा होती है, उसकी फेम बढ़ती है, मगर जो मृदंगम बनाने वाले हैं वो चमड़ी निकाल के वो साफ करके जो आर्टिसन ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई पहचान भी नहीं, महत्व की बात छोड़ी. तो उससे उसने पूरा सिस्टम को ना हिला दिया था, जो क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेडिशन का है कर्नाटक म्यूजिक का, उसमें तो कहा है कि ये दिस ट्रेडिशन हैज टू गो, इनका भी पहचान उनका रिकग्निशन होना चाहिए. जब भी मैं चोमनदुड़ी के बाद में सोच रही थी क्योंकि ये चर्चा अभी भी इन्हें दूसरे टाइप में आज भी चल रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उनका कोई पहचान नहीं है. तो मैं यहाँ से क्योंकि दो अलग चीजों को मैं जुड़ रही हूँ, वो फिल्म जो भी था और आज के चर्चा में वो टी एन कृष्णन का बारे में इतनी विवाद हो गई है सब. जी 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 क्या बस शुक्रिया मैथिली जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत विस्तार से बहुत संदर्भों को जोड़ा, आपने चोमन डूडी का जिक्र करते हुए अंततः आप कृष्णा के उस पर आ गई और भी जो एक विवाद पूरा हुआ था खड़ा उस पर आपने एक संक्षिप्त टिप्पणी की, बहुत धन्यवाद. अजय जी एकदम कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम वैसे ही हमारा थोड़ा समय ज्यादा हो चुका, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा जो पूरा का पूरा ये आज का हमारा विमर्श है, जिसमें हम अम्बेडकर जयंती के साथ में दलितों की सिनेमा में प्रतिनिधित्व पर बात कर रहे हैं. मुझे जब बात करें तो मुझे अचानक गांधी फिल्म याद आ गई. गांधी फिल्म में कहीं अम्बेडकर का जिक्र ही नहीं है, जो कि इतनी महान फिल्म है, मतलब बनी हुई अटनबरो की, उसमें सारे पात्र हैं लेकिन अम्बेडकर कहीं नहीं है. अजय जी. जी जी देखिए पूरी बातचीत और विमर्श के बाद जो कि फिल्मों से बाहर निकल के बार बार दूसरी जगहों पर जाती रही, चर्चा हुई, बहुत सारी जानकारियां मिली. मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ हिंदी सिनेमा को लेकर के कि यहाँ कोई दलित चेतना आने वाली है और दलित फिल्मकार आने वाले हैं. छिटपुट रूप से नीरज गेवन है या और दूसरे लोग आ जाएंगे या पारंजीत कोई फिल्म हिंदी में लेके आने वाले हैं, वैसी कुछ चीजें होंगी तभी जाकर के वो बहुत ही छोटे स्तर पर उनकी धमक दिखेगी. मेन स्ट्रीम सिनेमा में ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए भी नहीं होने वाला है कि पूरा हिंदी समाज का जो दलित समाज है वो उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो किस तरीके से करप्ट हो चुकी हैं और तमाम जो मेनस्ट्रीम पार्टियां उनके साथ अटैच रहती हैं कि उनको सत्ता का सुख मिल सके, जैसे सबसे बड़े उदाहरण रामविलास पासवान थे. तो वैसे में हमको उम्मीद भी नहीं कर सकते जब तक उधर से कोई प्रतिभा नहीं निकल के आती है और वो फिल्मों के लिए शुरुआत नहीं करती है, तब तक तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है. जी शुक्रिया.
बहुत धन्यवाद अजय जी, और आपकी इस टिप्पणी के साथ ही हम आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे क्योंकि समय काफी हो चुका है। आज बहुत दिलचस्प, बहुत गंभीर बातचीत हुई, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि जो दलितों का प्रतिनिधित्व है राजनीति में, जिस तरह से हमको दिख रहा है राजनीति में जैसे उनकी भूमिका बढ़ रही है, सिनेमा समाज का एक आईना होते हुए भी सिनेमा में दलितों की भूमिका उस तरह से प्रभावी, कम से कम हिंदी सिनेमा में नहीं दिख रही है, ये एक विचार का विषय है। और जैसा कि अजय जी ने कहा कि वो बहुत आशावादी नहीं है, फिर भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो नए फिल्मकार, नए गीतकार, नए अभिनेता या नए जो लोग आ रहे हैं, वे शायद दलितों को लेकर के या वंचित समुदाय को लेकर के जो नई चेतना है उससे लैस होंगे और कहीं ना कहीं उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व हमें दिखाई देगा। इस बातचीत के लिए आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।